वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव का सघन जनसंपर्क लगातार जारी है। उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद भी मिल रहा है। सोमवार को जयप्रकाश यादव ने कैंप क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से जयप्रकाश यादव ने चर्चा की। कैंप क्षेत्र के प्रत्येक घरों तक वे पहुंचे और अपने लिए समर्थन मांगा। जयप्रकाश यादव ने कहा कि उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही कहा कि रिकेश सेन की जीत कांग्रेस की जीत होगी। आज हमारे साथ मौजूद है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव, जो काफी जिनके पास परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगातार बीजेपी में सक्रिय रहेगा कि किन्हीं कारणों से इनके द्वारा बीजेपी को छोड़ करके इस्तीफा दे करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा जा रहा है। आइए, आज इनका भी चुनाव प्रचार कैंप क्षेत्र में चल रहा है, आइए हम जानते हैं जयप्रकाश यादव जी को समर्थन कैसे मिला। क्योंकि यादव जी अब लगातार समर्थन आपको मिला, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है, जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है। जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि हमको आपका काम करना है, हमको पहले से आपके लिए फ़ोन आ गया है और हम लोग पहले से आपके लिए बोलना शुरू कर दिए हैं सबको कि इस बार 13 नंबर ही मेरा नंबर है, जो बैलेट का 13 नंबर जो है उस पर आलमारी चुनाव चिन्ह है और आलमारी के अंदर जो है वो कमल फूल है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि रावण ने सीता माता का हरण किया था तो एक साधु का भेष धारण करके सीता माता का हरण किया था। अगर असली जो साधु है तो वो जो है किसी नारी का हरण नहीं करेगा। वैसे ही इस बार कमल जो है उसका हरण हो गया है एक रावण के द्वारा, और असली जो कमल है वो आलमारी के साथ खड़ा है और आलमारी से वैशाली नगर विधानसभा के भाग्य का पिटारा खुलेगा। वैशाली नगर विधानसभा सुरक्षित है तो आलमारी में सुरक्षित है, और 13 नंबर के बटन पर जब लोग जो है बटन दबाएंगे और 17 तारीख को भारी मतदान होगा और 3 तारीख को वैशाली नगर का बेटा उनका भाई जो है विधायक चुन करके इस वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेगा। क्योंकि यादव जी जो आपके सामने प्रत्याशी है वो चूँकि काफ़ी दमदार, मुकेश चंद्राकर की बात की जाए चाहे रिकेश सिंह की बात की जाए, सशक्त है, इन्हें लगातार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, हर तरह का तरीके से एक प्रकार से मजबूत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? रिकेश हो या मुकेश जी हो, दोनों में कोई भी जीतेंगे तो जीतेगी कांग्रेस। रिकेश और मुकेश एक हैं, ये दोनों एक हैं, ये जनता भी बोल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि रिकेश जीतेगा तो कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि जब रिकेश जी टिकट पाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है कांग्रेस के खेमे में होती है, भाजपा के खेमे में तो मायूसी का आलम होता है, इसे स्पष्ट होता है। क्योंकि आपको जनसंपर्क जैसे कि पूर्व में आपके द्वारा कहा गया था कि मुझे अंदरूनी तौर पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है, इसके अलावा आम जन लोगों का तो मिल ही रहा है, तो ये जो आपको सहयोग प्रदान करे वो खुलकर क्यों नहीं आते? जैसे कि पहले मेरे द्वारा बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके मेरे द्वारा पार्टी के सभी दायित्वों से त्याग पत्र दे दिया गया है, और उसके बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैं मैदान में आया हूँ। ये इससे स्पष्ट है कि जो जहाँ है वहाँ रह करके मेरा सहयोग करें। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वहाँ से सहयोग करें, और मेरी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, मैं जीतूंगा तो भाजपा की विचारधारा जीतेगी। क्योंकि भाजपा के काफ़ी कट्टर समर्थक रहे हैं शुरू से, आप विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस तरह से भाजपा से बगावत कर, क्योंकि पार्टी का जो संविधान है वो प्रमुख है, लेकिन आपके द्वारा बगावत की जाती है एक प्रकार से? मैंने अपने आप को पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर लिया है, पार्टी से मैं अलग होकर आम नागरिक के हिस्से से चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी में रहते हुए अगर मैं चुनाव लड़ता तो पार्टी से बगावत होती। 16 वर्षों तक मैंने अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दिया और उसी अनुशासन का पालन करते हुए मेरे द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया पार्टी से, और उसके बाद मैं आम नागरिक हूँ और मैं आज प्रत्याशी बनकर मैदान में आया हूँ, तो पार्टी की अनुशासनहीनता तो उसमें नहीं होगी। और मेरा ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन हुआ था कल, मैं चाहता हूँ कि, और आपको बताना भी चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी आपसे हमारी कोई बैर नहीं, रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी, जिनका संगठन जनसंपर्क जारी है, नहीं चुनाव चिन्ह अलमारी मिला है, लगातार इनके द्वारा सवेरे से लेकर देर रात तक
संपर्क किया जा रहा है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख वार्डों सभी वार्डों में, और इन्हें समर्थन भी सामाजिक लोगों का मिल रहा है, क्योंकि रिकेश से इनको टिकट मिलने के उपरांत से चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके थे। इसकी वजह से टिकट मिलने के बाद से इनकी तैयारियां अपने पूरे चरम पर थी। खैर, अब देखने वाली बात यह कि मतगणना के बाद, मतदान होने के बाद, मतगणना के पश्चात वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे प्रतिनिधित्व के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में भेजती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।